मेरा नाम सुभाष कुमावत, मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। नाम रतन यादव, ग्राम मलौरा, पोस्ट मिर्जापुर, जिला गाजीपुर से बिलोंग करते हैं सर। मेरा नाम मनोज सिंह है जी, मैं निचलोल डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम विजयनाथ है, मैं महाराजगंज जिले के शिकारपुर गाँव बिलवा दिघा से हूँ। मैं राहुल कुमार सिंह, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं असम से आया हूँ सर। मेरा नाम विश्वजीत है और हम झारखंड गोड्डा जिला से हैं। अच्छा, आप और ये दोनों लोग साथ में हैं क्या? नहीं, साथ में नहीं आए थे, लेकिन अच्छा वही के आए, अलग अलग थे, बाद में मिल गए कि एक ही जगह। सर मेरा नाम दीपू है और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम आखन सिंह है और मैं कस्ता लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिवम है और मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। पार्थ देवांगन है, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर जिले से हूँ। मैं स्टेट बिहार और नवादा जिले से बिलोंग करता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MI टेक्निकल ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पे। एक बैच स्टार्ट हुआ था 9 अप्रैल को और इन बच्चों से अभी तक हमने नहीं मिलवाया। बैच लगभग कंप्लीट होने वाला, सिर्फ 2 दिन का क्लास और इसमें बचा हुआ है। अभी चल रही इस बैच में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मतलब इस बैच में हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, फ्रिज, AC और जो भी चीजें सब खत्म हो चुका है। गीजर और RO इसमें बचा हुआ है और ये चल रहा है अभी। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो गया होगा और ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अभी चल रहा है। तो बैच का लगभग लास्ट है, मिलवाते हैं आपको, शुरू करते हैं एक एक बच्चों से और अलग अलग थोड़े थोड़े चार पांच बच्चे करके इधर प्रैक्टिकल करें। कुछ बच्चे यहाँ, कुछ अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मिलवाने के बाद आपको क्लास में भी मिलवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बताइए सर, कहाँ से आए हैं? फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमावत, मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ और गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले मैं सर पढ़ाई करता था, कोचिंग करता था, एग्जाम की प्रिपेयरिंग, कंपटीशन की तैयारी किया और लॉकडाउन की वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पाया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं किसी के साथ में रहकर मुझे गाइडेंस किया कि ऐसी फ्रिज का भी काम किया जाता है, फिर उसने मेरे को थोड़े दिन साथ रखकर छोड़ दिया। तो फिर मेरे को क्या हुआ, ऐसी मन से ऐसे लगा कि मुझे करना है तो बस करना है। फिर मैंने यूट्यूब पे एक दिन अचानक से किसी भी यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि मैं सीख सकता हूँ। हाँ। तो फिर मैंने जैसे सर्च करते 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 MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से एक यूट्यूब चैनल सामने आया और उस पर भी मैंने सर्च किया, तो वहाँ पर क्या AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजरों का स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिकली वाइज सभी अच्छे से पढ़ाया हुआ था, बताया था, वो मैंने देखा, मेरे को समझ में आने लगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना हो अपन फेस टू फेस ही मिले जाके, तो उसके लिए मैंने पहले ही उनका बुकिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, वहीं पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन किया और फिर यहाँ पर आने के लिए सर से एडवांस बुकिंग कर दी। फिर यहाँ मैं जब आया तो डायरेक्टली मेरे को ट्रेन मिल गई जयपुर से आजमगढ़ के लिए। जयपुर से डायरेक्ट आजमगढ़ ट्रेन आती है? डायरेक्ट आती है आजमगढ़ के लिए। और यहाँ आजमगढ़ आने के बाद सर ने मुझे रिसीव किया और अच्छे से लाके ऑफिस में हमारा इंट्रोडक्शन किया और हमने जो भी काम प्रोसेस होनी थी ऑफिस के लिए वो कम्प्लीट की और फिर नेक्स्ट डे से हमने क्लासेज स्टार्ट की और वहाँ से सर हमको अच्छे से पढ़ाने लगे स्टेप बाई स्टेप और हमें पढ़कर ऐसा एहसास हुआ कि अब हमें शायद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और फिलहाल इस टाइम पे वॉशिंग मशीन का वायरिंग चल रही है जो फुली ऑटोमेटिक है, इसमें हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके बाद में RO और गीजर की वायरिंग उनका समझना वो बाकी है। इससे पहले टेक्निकल लाइन में, अच्छा, उसके साथ कितने दिनों तक काम किया था आपने? किसी के साथ में 1 महीने काम किया था, बस 1 महीने। हाँ, किया था, फिर उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ। बोला या नहीं, मैं गांव आ गया किसी भी काम। अच्छा, फिर उसने कॉल लिखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे करना है, मैं इसके बगैर करके दिखाऊंगा, अपने पैरों पर कराऊंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने खानदान में मेरी लाइन सबसे अलग है, सभी जैसे टाइल मार्बल का काम करते हैं, मैं कुछ अलग करने के लिए, जैसे कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने माँ बाप की छाँव के बगैर मैं करना चाहता हूँ अपने पैरों पर। ये टेक्निकल काम आपके और कोई नहीं करता है? आपके मेरे पूरे परिवार में नहीं करता कोई टेक्निकल काम, में आप पहली बार हूँ और मैं फर्स्ट बंदा हूँ जो शायद आने वाले टाइम में भी शायद नहीं होगा कोई, तो मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ और यहाँ से निकलने के बाद मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या आ गया समझ में? ऐसा कुछ डाउट रह गया इसमें? जो चीजें पढ़ाई गई समझ में आई है? एकदम एक्यूरेट डाउट है मेरे को। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, आगे दे दीजिए। अपने बारे में बताइए। नाम रतन यादव, ग्राम मलौरा, पोस्ट मिर्जापुर, जिला गाजीपुर से बिलोंग करते हैं सर जी। और सर का वीडियो देखने के बाद मैं भाई से बोला और भाई बोला मेरे को अगर जाना चाहते हो तो सीख सकते हो वहाँ पर, क्योंकि भाई चाहता था कि मैं वो डिफार्मा करूँ और मेरा च्वाइस था सर कि इलेक्ट्रिक लाइन में जाएं, इसीलिए मैं सर इधर, फिर भाई से बोला तो भाई ने मेरे को इधर भेजा, फिर मैं आया इधर सर। और इधर अभी प्रैक्टिकल बढ़िया से चल रहा है सर, इसमें वॉशिंग मशीन की प्रैक्टिकल ही चल रही है सर। अच्छा, जो चीज़ पढ़ाया गया समझ में आया है? हाँ सर। प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं आके फंस गया ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, शुरू में लग रहा था, बाकी इसमें नहीं दिक्कत है कोई। शुरू में लग रहा था, कितने दिनों तक लगता रहा?
सर जब तक वायरिंग चलती रही तब तक लगता रहा, उसके बाद फिर नहीं लगा। शुरू में ही सबसे पहले वायरिंग चलती है, उसी में कुछ दिक्कतें लगती है लोगों को, मतलब एक तो नई जगह से आए हुए हैं और डायरेक्ट आके फार्म वार्म भरवाया गया। हाँ सर, हर बैच में हर बच्चे ऐसा बताते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है, कोई भी हो जब कहीं अनजान जगह पे जाएगा पहली बार किसी जिले में। लेकिन आप तो नजदीक से ही हैं गाजीपुर से, तब क्यों ऐसा डर लग रहा है? अभी सोचिए ये लोग राजस्थान से उतना नहीं डरे होंगे। उनको भी तो डर लगा होगा सर जब आते वक्त, बाकी इसमें उनको भी नहीं लग रहा है क्योंकि अब उनको भी अब तो नहीं लग रहा किसी प्रकार, अब नहीं, अब तो सोच रहे हैं सर दोबारा अगर सोच रहे हैं सर अगर पीसीबी का और मतलब चलता प्रैक्टिकल वर्टिकल तो वो भी सीख लेते हम लोग, पीसीबी का कोर्स भी आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी अगर तो नहीं स्टार्ट होगा सर तो दोबारा अगर उधर सीखते रहेंगे तो एक महीना के लिए इधर रिटर्न आ जाएंगे। चलिए ठीक है, हाँ फिर से आएंगे यहाँ पर। ठीक है सर, थैंक यू, दे दीजिए उनको। बताइए सर। मेरा नाम मनोज सिंह है जी, मैं निचलोल डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी स्कूली शिक्षा अपने प्रॉपर से ही किया हाई स्कूल तक, उसके बाद ग्रेजुएशन मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया हूँ। इसके पहले मैं अगर कहा जाए तो पढ़ने में थोड़ा वीक होने की वजह से स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रखता था। मैं फुटबॉल प्लेयर था, 5 से 6 बार मैं डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूँ, 2 बार मंडल खेल चुका हूँ। वेरी गुड। उसके बाद मैं जॉब सर्च करते करते डिलीवरी बॉय का काम किया, डिलीवरी बॉय के काम वहाँ पर प्रमोशन लिया, उसके बाद एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर बना। प्रेजेंट टाइम में 6 महीने पहले मैं कंटिन्यू 4 साल तक सुपरवाइजर का काम किया, स्टेशन इंचार्ज का अमेजोन में। उसके बाद मैं वहाँ से प्राइवेट सेक्टर के प्रेशर की वजह से मैं वह जॉब छोड़ दिया। उस जॉब को छोड़ने के बाद मैं काफ़ी परेशान हुआ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसमें मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रिशियन का काम कर लो, लेकिन फिर बाद में उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिशियन के काम के साथ ही तुम एसी का भी काम कर लो और इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप है। जिसकी वजह से मैं ब्राउज़र पे या फिर गूगल पे जो भी कहा जाए मैं सर्च करने लगा। सर्च करते करते मुझे MI का मिला, साइट तो कई मिले लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट में फाइनली मुझे MI का मिला जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं अपना जो भी टाइम था यहाँ पर आकर के सीखना शुरू किया। मैं इलेक्ट्रिशियन के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही मेरे फैमिली में कोई है। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय थे, ब्रदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं ही एक फालतू हूँ जो इधर उधर घूम रहा हूँ अभी तक। फालतू नहीं है, मैं ही अभी तक मतलब आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया करने का जो उन्होंने कि अभी तक केवल एक तरह से कहा जाए तो जॉब ही सर्च करते में बीत गया 37 साल मेरा। अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अच्छा, अभी तक मैं जहाँ जहाँ आपने काम किया सबसे ज्यादा टाइम तक काम कहाँ किया था? अमेजोन में किया 4 साल का। अच्छा, सबसे लंबा वही था। हाँ, इसके पहले मैं 2 साल का काम किया था अमोनिया प्लांट में। जो अमोनिया प्लांट हैवी मशीन होते हैं, कंप्रेसर वगैरह होते हैं वहाँ पे, जो चिलर वगैरह कोल्ड स्टोरेज ये सब रहते हैं वहाँ पे मैं काम किया था 2 साल तक। आइए और कौन बचे बताइए, वो वहीं रहिए, वहीं से बोलिए कोई बात। मेरा नाम विजयनाथ है, मैं महाराजगंज जिले के शिकारपुर गांव बिलवा तिगा से हूँ। मेरे पापा एक डॉक्टर थे, वो देख रहे थे वीडियो, तो ये देखे हमारे टेक्निकल का तो वहीं पर भेजे हैं। तो आपके पापा वीडियो देख के भेजे कि आप भी देखते थे? पापा वीडियो देखे थे तो हम देखना शुरू किए थे तो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, पापा ही बताए कि वहाँ जाओ सीख के आओ, आपका इंटरेस्ट नहीं था? था। अच्छा, इससे पहले कभी बल्ब वल्ब जोड़े हैं, तार वार जोड़े बोर्ड वोर्ड में? हाँ जोड़े हैं। कहाँ जोड़े हैं? घर पे बल्ब वल्ब बना लेते थे बोर्ड वोर्ड। फ्रिज व्रिज भी कभी खोल दिए थे कि नहीं? नहीं, फ्रिज नहीं कभी नहीं खोले, ये सब नहीं कभी। खाली बल्ब जोड़े थे। चार्जर वर्जर बनाए कभी खोल के? चार्जर नहीं बनाया, खाली बोर्ड बनाए। अभी पेपर दे के आए हैं, पढ़ते थे, कोई काम नहीं करते थे। कोर्स कम्प्लीट हुआ, अभी पढ़ाई जैसे थोड़ी सी पूरा हुई उसके बाद आ गए। चलिए ठीक है, और कोई यहाँ पे है? चलिए यहाँ पे हो गए सभी लोग, चलते हैं मिलवाते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं उनसे मिलवाते हैं। चलिए, अभी ये सारे लोग हैं और इन लोगों का भी क्लास में बैठे हुए प्रैक्टिकल इनका भी बारी बारी से होगा। चलिए एक तरफ से मिलवाते हैं। बताइए सर अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं राहुल कुमार सिंह, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ।
जी झारखंड से ना? जी सर। बहुत बढ़िया। तो मैं वीडियो देख के यहाँ पे आए हुए थे और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बढ़िया हो रहा है सर। झारखंड में कहाँ से आए हैं? मैं गोड्डा से सर। गोड्डा। गोड्डा जी। झारखंड में कोई और भाषा आप क्या बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं? हिंदी भी बोला जाता है, अंगिका बोला जाता है मुख्य रूप से। क्या? अंगिका बोला जाता है। चलिए अच्छा ठीक है। आपको आती है? जी सर। उस भाषा में एक बार अपना परिचय दीजिए। ऐसे नहीं बोल पाएंगे सर जब तक कोई बोलने वाला नहीं। माहौल मिलना चाहिए, सामने वाला उसी भाषा में पूछे तभी समझ में आता है। जी चलिए ठीक है, आगे दे। सर मैं आसाम से आया हूँ सर, मेरा नाम जाहिद हुसैन है। और इससे पहले क्या करते थे आप? ये लाइन में काम किया था, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन। अच्छा काम किए? घूम घूम के काम करते थे? हाँ सर्विस सेंटर में काम किया था। किसी के साथ रहते थे आप? हाँ। कितने दिनों तक काम किए? एक साल। एक साल काम किया ना, तब तो बहुत कुछ आ रहा होगा पहले से ही। हाँ पहले से आता था। तो यहाँ सीखने के बाद क्या लगा, कुछ नया मिला कि बस पहले ही जैसा रह गया? ना नया मिला है सर। नया मिला है, नया मिला। काम कर लेंगे अभी। अच्छा किसी मिस्त्री के साथ आप रहते होंगे अब तक? पहले किसी मिस्त्री के साथ काम किया, अपना भी काम किया खुद का। अच्छा अपना भी काम कर लेते थे आप? एसी का काम मतलब पहले से आप जानते? फंस जाता हूँ काम में जाके। तो अभी भी फंस जाएंगे? कब लग रहा है कि कर लेंगे? दिक्कत नहीं होगा अब कर लेंगे। कर लेंगे। चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा नाम विश्वजीत है और हम झारखंड गोड्डा जिला से हैं। अच्छा आप और ये दोनों लोग साथ में हैं क्या? नहीं नहीं साथ में नहीं आए थे लेकिन। अच्छा आए अलग अलग थे, बाद में मिल गए कि एक ही जगह के? जी ठीक। और हम पढ़ाई करते थे, अभी फिर देखे वीडियो रहे तो सोचे साथ में इसको भी कर लेते, यदि नौकरी वोकरी कुछ नहीं होगा तो लास्ट में यही है। कंपटीशन की भी तैयारी किए थे इससे पहले? एसएससी कर रहे हैं। अच्छा अभी भी कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से जाने के बाद भी अभी करेंगे तैयारी? शायद आ सकता है झारखंड में वैकेंसी, थोड़ा सा उसमें लग जाएगी। वैकेंसी से पहले कब आई थी लास्ट टाइम? बहुत दिन हो गया होगा। 16-17 में आई थी। तो बताइए 5 साल हो गए वैकेंसी नहीं आई ना, लेकिन लास्ट में अब ये उपाय बचा चलो अच्छा कुछ सीख लेते हैं, अपना ज्ञान कुछ रखते हैं कम से कम। साथ में किसी चीज़ की दुकान है? हाँ मोबाइल दुकान और इलेक्ट्रिक दुकान है दोनों। पहले से है? हाँ। तब तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, कुछ ज़्यादा स्ट्रगल हाँ, नहीं करना पड़ेगा शुरुआत के लिए। हाँ, तो पंखा के लिए हम ज़्यादातर देख के आए थे, खाली पंखा वाले वीडियो देखते थे, उसमें देखते सही बता रहे हैं, आते देख लेते हैं। पंखा बना लेंगे कि नहीं अभी? और पंखा के साथ फ्रिज वगैरह का क्या? अब टोटल सब काम कर लेंगे। हाँ। ऐसा लगा होगा ना कि अब फ्रिज में कुछ नहीं रहा, पहले तो बहुत कुछ था, सब अब आसान लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैकेनिकल सिस्टम वगैरह अलग अलग है, ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा नाम दीपू है और मैं बांदा के बांदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी इससे पहले क्या करते थे आप? सर वो छोटी मोटी वायरिंग का ही काम करता था मैं पहले जा जा के, तो उसके बाद यहाँ वीडियो देखने के बाद फिर मैं यहाँ आया। और अभी यहाँ पे जो सोच के आए थे काम सीखने के लिए वो आपको मिला कि नहीं? हाँ नहीं, कोई डाउट रह गया वैसा? बढ़िया तरीके से सिखाया सर ने, तो बहुत अच्छे से समझाया। बढ़िया सीखा। अब मैं थोड़ी बहुत काम कर सकता हूँ यहाँ से। अच्छा इससे पहले भी थोड़ी बहुत कर सकते थे कि नहीं? नहीं इसके पहले कुछ भी नहीं करता, जीरो से ही स्टार्ट किया है। इस लाइन में कभी नहीं थे? नहीं कभी नहीं किया। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम आखन सिंह है और मैं कस्ता लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। इस मैं YouTube पे वीडियो देख कर आया था यहाँ पे, उससे पहले मतलब कुछ दिन तक ऐसे फ्रिज का काम किया था, लेकिन मतलब वहाँ अच्छे सिखाया नहीं जाता था। मतलब सिखाया? अच्छा कहीं इंस्टीट्यूट में थे? नहीं हाँ। वैसे ही जैसे दुकान वकान अच्छा, होती हैं हाँ। वहाँ करते लेकिन परेशान किया जाता था, तो बढ़िया नहीं लगा, कुछ सीख भी नहीं पाए थे। कितने दिनों तक आप रहे किसी दुकान? अरे लगभग वही 2 महीने तक लगभग किए थे हाँ। तो वहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, यहाँ आने के बाद मतलब पूरा क्लियर हो गया है और पूरा नॉलेज भी हो गया। अभी जाने के बाद क्या करने वाले, काम करेंगे कि अभी कुछ और तैयारी? यहाँ जाने के बाद पहली बात तो किसी के साथ जैसे सर्विस सेंटर हो जैसे काम करेंगे कुछ देर, फिर अपना करेंगे, फिर बाहर जाने का प्लान है थोड़ा ही। अच्छा सीधे ब्यौरा बाहर का, इसीलिए सर्विस सेंटर नहीं स्टार्ट करेंगे, बात ये इसीलिए। ठीक है सर दे दीजिए, बताइए सर। मेरा नाम शिवम है और मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, और वैसे तो लखनऊ में रहता हूँ, मेरे लखनऊ पास में, उन्नाव थोड़ा दूर पड़ता है हाँ। और लखनऊ में ज़्यादातर काम भी मिलता है, तो मैं पहले हेल्पर में काम करने के लिए जाता था, उनसे पूछता भी था वायरिंग जो हाउस वायरिंग नहीं होती हाँ। तो कई सारी चीज़ें मैं उनसे पूछता था तो वो लोग बताते भी नहीं थे सही से, और जो जितना दिहाड़ी बनता था उतना दे देते, तो बहुत सारी इच्छा थी अंदर कि मैं भी ये कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग सिखाते नहीं थे अपना हो गया जितना। अच्छा आप जिनके साथ रहते थे वायरिंग का काम करते थे क्या? तो अभी आप जाने के बाद वायरिंग का काम करेंगे फ्रिज एसी का? देखिए अलग चीज़ है ना, जितनी चीज़ें सिखाई गई हैं सभी लोग सब कुछ नहीं करते हैं, कुछ एक दो चीज़ें उसमें से करते हैं। मैं फ्रिज और एसी और वॉशिंग मशीन का काम। एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन सबसे नंबर एक की चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ भी है, सबसे कम टाइम लगता है इसमें,
बहुत बढ़िया है कुल मिला के। तो उसके बाद ये भी प्लान है कि यहाँ से 6 महीना फील्ड में काम करने के बाद कोई एसी का सर्विस सेंटर जो नहीं होता मिनी फ्रेंचाइजी लेने के लिए, उसमें 8-10 लड़कों का ग्रुप होता है वो करने के लिए ये प्लान है आगे का। सही प्लान आपका सही है, बस स्टार्ट करिए, एक कदम तो बढ़ा ही दिए, आगे भी बढ़ाते रहिएगा बस। ठीक है सर, आगे। मेरा नाम पार्थ देवांगन है, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर जिले से हूँ। मैं यहाँ आने से पहले आपके वीडियो को देखकर यहाँ आया हूँ सर। मैं पहले आईटीआई कर रहा था गवर्नमेंट से, आरएससी ट्रेड से ही आईटीआई कर रहा था, लेकिन वहाँ 4 महीने किया, वहाँ भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन वहाँ कोर्स जो है 2 साल की थी आईटीआई जो है, तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था, 2 साल है। आपका वीडियो को देखा तो 45 दिन का मुझे लगा कि 45 दिन के अंदर ही कवर हो जाएगी जो है कोर्स जो है, तो हम समय को देख कर ही, समय बचत करने के ही मतलब यहाँ आए, और मतलब कि आपके वीडियो को देखते थे तो अच्छी समझ में आता था सर, तो हम डायरेक्ट आपसे मतलब व्हाट्सएप पे चैटिंग किए और चैट करने के द्वारा यहाँ संपर्क मिला तो यहाँ आए। अच्छा, ऐसा डाउट नहीं हुआ 45 दिन में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर डाउट तो नहीं है, क्योंकि मैं पहले से आपका वीडियो देखता था, क्योंकि मुझे भरोसा था कि सीख लेंगे, क्योंकि मुझे वहाँ पे भरोसा था कि बहुत मतलब 1 हफ्ता में 1 चीज़ सिखाते थे या 2 हफ्ता में 1 चीज़ सिखाते थे आईटीआई में, तो मुझे पता था कि सीख जाएंगे बोल के। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा नाम रवि चौरसिया है, मैं स्टेट बिहार और नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं आपको वीडियो देखा करता था करीब 2016-17 लमसम में। अच्छा, बस उस टाइम कुछ कारण था इस घर के, इसलिए मैंने नहीं आ सका जी। उसके कारण दौरान मैंने कुछ फील्ड वर्क में काम किया, जो भी काम मिला कंपनी में मंडी में सब काम किया मैंने। पास कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं सोचा कुछ कर लिया जाए, इसलिए मैं यहाँ आया और अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, जो सिखाएगा वो समझ में आया आपको? पहले तो मेरा डर था कि 45 दिन में कैसे सिखाया जाएगा। सबसे मेरा पहले क्वेश्चन यही था कि लोग छो महीना 2-2 साल करते हैं, पर 45 दिन में कैसे सिखाया जाएगा। इससे पहले मैं मोबाइल का कोर्स किया था, बट उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला। चक्कर तक किया था, वहाँ टीचर जो था हमें सब ब्लैक बोर्ड बताते थे, कुछ पढ़ाते लिखाते थे, हमें पर्दा चालू करके हमेशा बताते थे बस। मैं उस फील्ड को छोड़कर फिर इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में आया। इससे पहले लॉकडाउन में घर पर पंखा इन्वर्टर कन्वर्टर ऐसे LEDR देख देख के वीडियो में बनाया करता था। इसके बाद फिर मैं आया, मतलब इंटरेस्ट आपका ज़्यादा दिनों से था, पिछले 4-5 साल से आप इस लाइन में लगे हुए हैं। मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रहा था, 2-4 बना के फेसबुक पर भी वीडियो भी बनाइए, डालिए यूट्यूब पे, यूट्यूब पे भी आइए, सोशल मीडिया का भी यूज करिए अपने टेक्निकल कामों में। सभी लोग एसी फ्रिज का जो काम करते हैं, सभी लोग किसी कस्टमर का बनाएं, उसके घर का, उसके फ्रिज का फोटो एक फोटो खींचिए, डालिए, आज मैंने इस फ्रिज में गैस चार्ज किया, आज मैंने इस फ्रिज का लीकेज चेक किया, आज मैंने इस फ्रिज का डोर स्विच सही किया, आज मैंने फ्रिज में नया बल्ब लगाया, एवापोरेटर चेंज किया। बस ऐसे ऐसे करते जाइए, लोगों के बीच में बार बार आता रहेगा, इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू सो, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सर।